Good morning to all of you. This is Sanwaz and welcome to my channel SS Teaching Academy. Friends, आज मैं फिर से ज्योग्राफी का एक वीडियो लेके आया हूँ जो क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, यानी भारत संसाधन एवं उपयोग। अगर आप STET की तैयारी करते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि आज की क्लास आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ से स्टेट में कम से कम एक या दो क्वेश्चन ज़रूर रहने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। यानी टॉपिक का नाम है कि भारत संसाधन में उपयोग, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं ज्योग्राफी के नोट्स के लिए। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये किसका कथन है? तो ये कथन है जिमरमैन। दूसरा हमारा पॉइंट है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, क्या क्या होता है? जैव्स और दूसरा अजैव संसाधन। तीसरा पॉइंट है कि उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो प्रकार हैं, पहला है नवीकरणीय और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। अब है तीसरा पॉइंट कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हैं, क्या क्या चार प्रकार हैं? पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है आपका सामुदायिक संसाधन, तीसरा है राष्ट्रीय संसाधन, और आखिरी जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब हमारा अगला पॉइंट है कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन के चार प्रकार हैं, तो क्या क्या चार प्रकार हैं? पहला है संभाव्य संसाधन, दूसरा है आपका विकसित संसाधन, तीसरा है आपका भंडार संसाधन, और चौथा है संचित संसाधन। अब हम लोग विस्तार से जानते हैं कि जैव संसाधन क्या है और अजैव संसाधन क्या है। तो जैव संसाधन के बारे में है कि ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय। अब यहाँ से आपका सवाल आ सकता है कि मनुष्य किस प्रकार का संसाधन है? आपको समुदाय दे देगा और कुछ मनुष्य दे देगा और कुछ आपको अलग पॉइंट दे देगा। तो मनुष्य जो है आपको सही करके आना है, उसी तरह से आपका है अजैव संसाधन। तो निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजैव संसाधन कहा जाता है, जैसे चट्टानें, धातु एवं खनिज इसके उदाहरण हैं। अब अगला है हमारा संसाधन का जो प्रकार है वो उपयोगिता के आधार पर। तो इसमें है पहला नवीकरणीय संसाधन। अब नवीकरणीय संसाधन क्या होता है? तो वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, विद्युत, वन्य एवं वन्य प्राणी। ये सारे क्या किसके उदाहरण हैं? तो नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं। अब जैसे आपका ऑप्शन दे देगा कि नवीकरणीय निम्नलिखित में से नवीकरणीय संसाधन कौन है, उसमें दे देगा आपको सौर ऊर्जा दे देगा, कोयला दे देगा, उसके बाद और कुछ अलग पॉइंट दे देंगे, तो इसको आपको जो सही होगा वो होगा सौर ऊर्जा। तो इसी तरह से यहीं से आपके क्वेश्चन बनेंगे इसी प्रकार से। अब आते हैं आपका अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनका पुनः चक्र नहीं होता है तथा एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, वैसे संसाधन को हम लोग क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, ये इसका उदाहरण है। अगला है हमारा कि स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर जो है कई यानी चार रूपों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है जिसके बदले वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे भूखंड, घर व अन्य जायदाद, ये सब इसके एग्जाम्पल है। अब सामुदायिक संसाधन क्या है? ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है, जैसे सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल का मैदान, सामुदायिक भवन इत्यादि, ये सब सामुदायिक संसाधन के उदाहरण हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो कानूनी तौर पर देश
या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। जैसे कि उसके अलावा और हम इसको दूसरे तरीके से भी जान सकते हैं, जैसे किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव एवं समुद्री जीव, यानी 200 किलोमीटर महासागरीय क्षेत्र तक क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। ये जितने भी मैंने पॉइंट नोट किया है वो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर से है, तो आपका जो लगभग 90% जो आएगा तो 9th और 10th की किताबों से ही आने वाला है। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि मैं बहुत ही जल्द ज्योग्राफी का एक मास्टर वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाला हूँ, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करें आप। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, यानी ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। किसी देश की तट रेखाओं से 200 किलोमीटर की दूरी का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ऐसे संसाधनों का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु यानी रिसर्च हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र द्वारा किया जा सकता है। अब है हमारा कि विकास के स्तर पर संसाधन के प्रकार। तो इसका पहला है प्रकार संभावी संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाने जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज, उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावना, ये सब एग्जाम्पल हैं। अब अगर आपका विकल्प आ सकता है कि राजस्थान में यानी पवन और सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको देना है इसका जवाब जो है, ऑप्शन आपका अगर गुजरात रहे तो गुजरात या राजस्थान रहे तो राजस्थान, इस तरह से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब है आपका अगला पॉइंट कि विकसित संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणों प्रांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। यहाँ से आपका सवाल नहीं आएगा, हमें उम्मीद है। अब भंडार संसाधन, यानी ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम है। भंडार संसाधन यानी विकसित संसाधन और भंडार संसाधन जो है, इससे आपके कम आने के सवाल कम आने के चांसेस हैं। अब है कोटेशन कथन कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का है। ये कुछ जो पॉइंट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन किस किसके द्वारा किया गया, तो मेधा पाटेकर द्वारा। चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। वर्षा जल संचयन कर कृषिगत भूमि का विस्तार संदीप पांडे। अब कुछ जो है कुछ और पॉइंट है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। इसी सम्मेलन के पश्चात प्रतिवर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगर सवाल आए कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आपको तीन ऑप्शन अलग रहेगा और एक ऑप्शन रहेगा आपका 5 जून, तो जो ऑप्शन 5 जून रहेगा वो आपका सही होगा। इस तरह से सवाल आ सकता है आपका। अब आते हैं हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में, कुछ पॉइंट्स हैं उसको जान लेते हैं। का प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो में किया गया, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किए गए। इसी तरह से फिर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है, यानी किसको? तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का दूसरा क्या नाम है? तो +5 सम्मेलन। अब आते हैं क्योटो सम्मेलन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्योटो में सम्मेलन आयोजित हुए, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। अब तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 10 वर्ष बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने
भाग लिया। तो इस वीडियो में इतना ही, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा कैसा लगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल में अगर आप हमें हमारे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपको इसी प्रकार का वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।